ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग अर्लियर, एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर, एंड दैट वाज अबाउट सीक्वेंशियल गेम्स। एंड वी वर डिस्कसिंग द रोल और इन अदर वर्ड्स हाउ वी कैन एनालाइज द फिनोमेना ऑफ थ्रेट्स एंड कमिटमेंट्स within that framework of sequential games. And we introduce one of the ways in which basically you can create some sort of threat commitment or credibility in your commitments actually, and how you can make your threats credible. And that method was named as tying hands. And tying hand was basically the idea that you make some of your action rather unattractive for you. So आप एक अनअट्रैक्टिव ऑप्शन को छोड़ने की यानी तरफ चले जाते हैं फिर इवेंचुअली, एंड दैट क्रिएट्स दैट बेसिकली गिव्स सिनेरियो और एन इंडिकेशन टू योर ओपोनेंट दैट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर थ्रेट. नाउ let's analyze another basically example through which we can pick up this idea of tying hands. This time the game story goes of an office boss. B stands for boss, who is at the node 1 here. We have a boss who is facing with the problem of employees who makes और हु कमिट्स स्टीलिंग इन द ऑफिस. वो कुछ चोरी वगैरह कर लेता है कुछ छोटी मोटी चीजों की, एंड दैट इज ए प्रॉब्लमैटिक बेसिकली बिहेवियर फॉर द बॉस, एंड ही डज नॉट एक्चुअली नो हु द बेसिकली एग्जैक्ट पर्सन इज दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस प्रैक्टिस. देर आर नंबर ऑफ पीपल. अब ये मतलब ये कि उसके सामने ये मसला है कि वो ये चाहता है कि ये चोरी रुक जाए, और उसके पास ऑप्शन ये है कि ही कैन ईदर वार्न और इशू ए वार्निंग टू हिज एम्प्लॉयज, और ही कैन चूज नॉट टू इशू द वार्निंग. वार्निंग ऑफ व्हाट? वार्निंग अबाउट कि अगर किसी ने चोरी की तो फिर मैं जो है वो उसको निकाल दूंगा. ये वो थ्रेट उसने दे दी कि भाई अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो मैं उसे फिर छोड़ूंगा नहीं, ही विल बी लीविंग द जॉब. और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ये थ्रेट दे ही ना, इसलिए कि उसको ये खतरा भी हो सकता है कि जी पता लगा कल को एक बंजा पकड़ा तो गया है चोरी करते हुए, लेकिन मैं अब उसको कुछ कर नहीं सकता, मैं निकाल नहीं सकता फॉर वॉट एवर रीजन. तो अब सवाल ये है कि शुड ही गिव द वार्निंग और नॉट, और क्या उसकी ये वार्निंग जो है वो क्रेडिबल है या नहीं है. नाउ टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन दिस सिनेरियो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. सो द बॉस हैज टू ऑप्शंस एज आई सेड, ईदर टू इशू वार्निंग और नॉट इशू द वार्निंग, एंड इन ईदर केस देन एम्प्लॉय हु इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉड ई हियर एंड इन दिस इन बोथ दिस केसेस एम्प्लॉय हैज टू ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल द बॉस हैज नॉट इशूड अ वार्निंग, देन एम्प्लॉय हैज टू ऑप्शंस, ईदर स्टॉप स्टीलिंग एंड कंटिन्यू. ठीक है, ये दो ऑप्शन है उसके, या वो रुक जाए और या ये कि जारी रखे अपनी चोरी का अमल. अच्छा, अब अगर वो चोरी का अमल जारी रखता है और फिर पकड़ा गया, देन बॉस हैज टू ऑप्शंस, ईदर इग्नोर द वार्निंग दैट ही हैज गिवन, और मतलब खामोश हो जाए आंखें बंद कर ले बस जो हो रहा है होने दे, और या फिर ये है कि उसको फायर कर दे उसको जॉब से निकाल दे. ठीक है, नाउ दीज आर दैट इज हाउ द ऑप्शंस इन द गेम और स्ट्रेटजीज इन द गेम आर स्प्रेड on the left hand side. Now what are the payoffs? अगर वो issue warning नहीं warning issue नहीं करता और चोरी करने से बाद आ जाए employee, then boss will have a payoff of 1 while the employee will have a payoff of 0. जाहिर है employee को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा ना, उसने चोरी बंद कर दी और उस्ताद जो उस boss है उसको फायदा हो गया. लेकिन अगर वो चोरी करता है और फिर पकड़ा गया तो अब boss के पास option है कि उसको ignore कर दे चोरी को. In that case the payoff of the boss is 0 whereas the payoff of the employee is 1 because he has made some stealing. usko ab chori chori ke maal se jo paisa mil gaya hai wo uske liye beneficial ho gaya hai. acha ab agar wo farz kare ignore na kare usko nikal de
फिर पे ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि वो अगर फायर करेगा तो जो चोर है यानी एम्प्लॉय है ही विल हैव अ पे ऑफ ऑफ -1 बिकॉज ही हैज लॉस्ट द जॉब, और जो बॉस है उसको भी -1 का पे ऑफ है ऑन द ग्राउंड्स कि अब उसको एक नए बंदे को तलाश करना पड़ेगा, और नए बंदे को तलाश करने की जाहिर है एक कॉस्ट है, वो सर्च कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, तो उसके भी यानी निकालने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ यानी इस कॉस्ट जो इनकर होगी ड्यू टू दैट इनकरिंग कॉस्ट ही विल हैव ए नेगेटिव पे ऑफ। ठीक है, तो ये इस तरफ होगा। अच्छा, अब अगर वो इशू वार्निंग जारी कर देता है, एक ऑप्शन ये है कि वार्निंग जारी ना करे और बस जो चल रहा है वो चलने दे, दूसरा ये है कि अब वो कहे नहीं है मैं नहीं, बुरी बात है मैं तो रोकूंगा इनको, तो ही इशूज अ वार्निंग इन दैट केस। यानी यहां पर वार्निंग जब नहीं जारी की तो भी अखलाकी तौर पर ये ऑप्शन तो एम्प्लॉय के पास मौजूद है कि वो रुक जाए, और नहीं भी रुक सकता, यूं चल रहा है। जब उसने वार्निंग जारी कर दी, अब भी एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन है, इधर स्टॉप स्टीलिंग यानी इसके लिए सिर्फ इससे फर्क करने के लिए, वहां अगर स्टॉप है तो यहाँ क्विट है, यानी क्विट द बिहेवियर ऑफ स्टीलिंग, सिंपल स्टॉप स्टीलिंग, ये ऑप्शन है। और या ये है कि वो चोरी करता रहे, टेस्ट द नर्व ऑफ हिज बॉस, यानी चेक करेगा कि मैं चोरी करके देखता हूँ निकालेगा या नहीं करेगा। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल क्विट कर देता है, चोरी करने से बाज आ जाता है, तो इन दैट केस बॉस विल हैव अ पे ऑफ ऑफ 1 जस्ट लाइक इन दिस केस, कि चोरी बंद हो गई तो उसको फायदा हो गया और एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं हो रहा, जीरो पे ऑफ है। और अगर वो चोरी कर रहे हैं यानी टेस्ट करने का मतलब है चोरी करता रहे कि देखें क्या होगा, लेट्स टेक द रिस्क, और फिर जो है वो बॉस के सामने अब चॉइस आ गई कि अब भाई मैं इसको क्या करूं। अब यहां पर पहुंच के बॉस के पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि वो अपने अपनी धमकी से को विदड्रॉ कर ले, आप यहां लफ्ज विदड्रॉ भी लिख सकते हैं, यानी ही मे क्विट हिज और ही मे विदड्रॉ फ्रॉम हिज जो है वो वार्निंग, और ही मे फॉलो हिज वार्निंग। विदड्रॉ का मतलब ये है कि बंदा पकड़ा गया है लेकिन बॉस ने अब उसको इग्नोर कर दिया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं जाओ, और फॉलो थ्रू का मतलब यह है कि पकड़ा गया है और अब उसको निकाल दिया उसने जॉब से, अपनी वार्निंग पर जो उसने जारी की थी कि मैं निकाल दूंगा उस पर अमल किया। मसलन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक उस्ताद के पास क्लास में ये ऑप्शन होता है कि वो बच्चों को ये कहे कि अगर किसी ने मोबाइल को इस्तेमाल किया तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, एक ये कि वो वार्निंग जारी करे, और एक ऑप्शन ये है कि वार्निंग जारी ना करे। तो वार्निंग जारी ना करने के केस में सिनेरियो यूं चल रहा है, और अगर वार्निंग जारी कर दी तो यहां पहुंच के जब बच्चा पकड़ा गया मोबाइल खेलता हुआ, तो अब उस्ताद के पास ऑप्शन है कि वो या तो छोड़ दे उसको कुछ भी ना कहे, और या ये क्लास से निकाले। गेटिंग द पॉइंट? तो इफ द बॉस क्विट्स हिज वार्निंग और विदड्रॉस फ्रॉम हिज वार्निंग इन दैट केस बॉस विल हैव अ पे ऑफ ऑफ -2 बिकॉज ही विल बी हैविंग ए डिस बेसिकली काइंड ऑफ डिसरिगार्ड, और वो जिसे कहते हैं ना वो एक उसकी सुबकी हो जाएगी, और दो सुबकी को क्या कहते हैं, आसान लफ्ज है उसके लिए, बेइज्जती हो जाएगी यानी उसकी, कि मतलब ऐसे ही बस कहता रहता करता है नहीं, तो ही विल लूज हिज क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ हिज एम्प्लॉइज, तो ही विल हैव ए वेरी हायर लॉस इन हिज पे ऑफ एंड दैट विल बी -2। और अगर जाहिर है वो छोड़ देगा तो एम्प्लॉय को फायदा हो गया, उसको एक का बेनिफिट हो गया, और अगर वो उसको नौकरी से निकाल देता है तो फिर इसी तरह के ये जो सिनेरियो यहाँ यहाँ पर भी वही है, बोथ विल हैव अ पे ऑफ ऑफ -1 बिकॉज द एम्प्लॉय हैज लॉस्ट द जॉब, सो ही विल हैव टू सर्च अ न्यू जॉब ऑल टुगेदर, एंड द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो वर्स ऑफ इन द सेंस दैट ही विल बी सर्चिंग फॉर अ न्यू वर्कर एंड ही विल ऑल्सो बी ट्रेनिंग हिम। तो ये मतलब ये सिनेरियो वही है जो यहाँ निकालना चाहे इस सिनेरियो में हो या इसमें हो बराबर है इसके लिए। नाउ दिस इज दी गेम। अब उसके पास ये ऑप्शन है, मसला उसके सामने है कि यार लोग चोरी कर लेते हैं सामान है, अब उसके पास या क्लास के प्रॉब्लम में अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँ तो क्लास में बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। अब उस्ताद के पास एक ऑप्शन ये है कि वो धमकी लगाए, और दूसरा ये है कि बस वो खामोश रहे इस डर से कि मैंने अगर धमकी लगा दी और फिर जब बच्चे ने मोबाइल यूज किया और उसे ना मैंने निकाला तो माई वर्ड विल गो बेसिकली अनसेटिस्फाइड और अनकमिट, मतलब ये कि अनफुलफिल्ड,
एंड दैट विल बी ए बैड रेपुटेशन ऑन माई पार्ट। तो बजाय ये कि मैं वो बैड रेपुटेशन अर्न करूँ, बेहतर ये कि मैं वार्निंग जारी ही ना करूँ और चुप करके जो चल रहा है फिर उसको चलने दो। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज दी बेसिकली स्टोरी ऑफ दिस गेम। नाउ लेट्स एनालाइज दिस गेम कि क्या उसको वार्निंग जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या उसके वार्निंग जारी करना क्रेडिबल होगा भी या नहीं होगा, क्या वो सीरियस लेगा एम्प्लॉय उसको या नहीं लेगा। नाउ लेट्स एज वी नो वी सॉल्व दी सच टाइप ऑफ गेम्स थ्रू बैकवर्ड इंडक्शन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट नोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ या लेफ्ट साइड से। तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और अब बॉस के पास यानी सारा गेम चल गया, बॉस के पास यहाँ आके चॉइस आ गई है कि वो जो चोर पकड़ा गया है या जिस बच्चे से मोबाइल पकड़ा गया है उसकी इस हरकत को इग्नोर कर दे और या उसे क्लास से निकाल दे, या बॉस के सिनेरियो में उसे फायर करे। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि जी ये उस्ताद के तनाजुर में या कॉन्टेक्स्ट में ये -1 और स्टूडेंट के किस तरह हो सकता है, स्टूडेंट का तो चलो -1 इस मानों में हो गया कि वो क्लास से बाहर निकल जाएगा तो उसको नुकसान होगा, तो इट डज नॉट सीम वेरी मच फिटिंग हाउ अ टीचर इज गोइंग टू हैव -1। तो वी कैन वेरी प्लॉजिबली इंटरप्रेट इट, तो इतना बड़ी चीज नहीं है कि टीचर इज नेवर हैप्पी व्हेन ही मेक्स एनीवन बेसिकली गो ऑफ द रूम, क्योंकि ये उसके बाद उसको भी यानी एक पछेमानी महसूस होती है और दुख होता है कि यार किसी को हमने इस तरीके से ट्रीट क्यों किया। तो इट इज़ नेवर बेनिफिटिंग फॉर एनी टीचर कि वो किसी तालिब इल्म को सबक हासिल करने से जो क्लास में जारी हो उससे महरूम करे। बहरहाल, तो मतलब पॉइंट ये है कि स्टोरी कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस फैशन। सो अब बॉस यहां पर पहुंच के इस नॉट पर पहुंच कर क्या करना चाहिए उसको, बैकवर्ड इंडक्ट दिस इज द फाइनल सब है गेम है जो इसके अंदर एक पड़ा हुआ है। अब इग्नोर करता है, रिमेंबर बॉस इज प्लेयर 1 सो हिज पे ऑफ इज 0, और अगर वो उसको फायर करता है हिज पे ऑफ विल बी -1। सो व्हाट शुड ही डू एट दिस नॉट, ही विल चूज इग्नोर बिकॉज हिज पे ऑफ इज ग्रेटर। तो यहां तो हमें पता चल गया कि अगर गेम इस नॉट पे आएगा तो बॉस करेगा इग्नोर, यानी अगर उसने चोरी की, उसने वार्निंग जारी नहीं की, एम्प्लॉय ने चोरी की, बॉस करने वाला इग्नोर। ओके, अब नाउ द गेम गोज बैक टू द प्रीवियस नॉट ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट शुड एम्प्लॉय डू व्हेन द गेम हैज रीच टू दिस नॉट ऑफ एम्प्लॉय? अब एम्प्लॉय के पास सिनेरियो क्या है कि इधर ही कैन स्टॉप स्टीलिंग और ही कैन कंटिन्यू स्टीलिंग। अब ही नोज कि अगर मैं स्टीलिंग करूंगा देन द गेम विल मूव टू दिस डायरेक्शन नॉट टू दिस डायरेक्शन, क्योंकि या इस नॉट पर बॉस ने जो फैसला करना है वो इग्नोर करने करना है इफ बॉस इज रैशनल। तो ये वाला सिनेरियो आप यूं देखें, ये वाली नॉट मैंने यहां पर ले आया हूं, एम्प्लॉय के सामने ऑप्शन है स्टॉप स्टीलिंग का या कंटिन्यू टू स्टील, और फिर बॉस ने इस तरफ जाना है। ये वाली जो नीचे नॉट जा रही है ये वाली दिस इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल। तो अब इम्प्लॉय के सामने दो पे ऑफ है, रिमेंबर के इम्प्लॉय इज अवर प्लेयर 2, तो इधर ही विल गेट 0 इफ ही स्टॉप स्टीलिंग और ही विल गेट 1 इफ ही कंटिन्यूज टू स्टील, बिकॉज वेन ही स्टील्स एंड ही गेट्स स्टक और ही गेट्स कॉट देन ही इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड बाय द बॉस एंड हिज पे ऑफ विल बी 1। सो ही हैज टू कंपेयर 0 versus 1, इफ ही स्टॉप्स ही गेट्स 0, इफ ही कंटिन्यूज टू स्टील ही गेट्स 1, सो ही विल स्टील एक्चुअली। आ रही है ना बात समझ में? तो वो बेसिकली चोरी करेगा इस नॉट पे आके, वो करने वाला है चोरी। तो अब हमारे पास ये नॉट भी हल हो गई और ये वाली नॉट भी हल हो गई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिमेनिंग गेम लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये हमारे पास फुल गेम था, है ना? तो अब ये जो मैंने दो नॉट हल कर ली उसके बाद मेरे पास गेम ये रह गया, यानी लेफ्ट साइड पे गेम किस तरह चलने वाला है कि अगर वो इशू वार्निंग नहीं करेगा, वार्निंग इशू नहीं करेगा, इंप्लॉय चोरी करेगा क्योंकि वो स्टॉप वाली तरफ नहीं जाने वाला, वो चोरी करेगा बॉस इग्नोर करेगा, फायर वाली तरफ नहीं जाएगा। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर नाउ डन। अब इस तरफ बॉस ने जो फैसला लेना है इस तरफ वो क्लियर हो गया कि उसका उसकी नॉट यूं चल रही है एंड ही हैज टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस पे ऑफ
अब यहां राइट साइड पे आ जाए. नाउ लेट्स सी हाउ द गेम इज सॉल्विंग टू द टुवर्ड्स द राइट साइड. नाउ वंस अगेन वी बिगिन विद द लास्ट नॉट. द बॉस हैज टू टेक डिसीजन एट दिस नॉट व्हाट टू डू. कि अगर उसने वार्निंग इशू की है एन एम्प्लॉई हैज बेसिकली कंटिन्यू टू डू चीटिंग और स्टीलिंग, तो अब बॉस क्या करे? क्या वो उसको निकाल दे, फॉलो थ्रू करे अपनी यानी धमकी को, या उसके अपने इस फैसले से विदड्रॉ कर जाए, क्विट करे, छोड़ दे, विदड्रॉ कर ले. वो कहे चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, मोबाइल पकड़ा गया, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो. बिकॉज द बॉस इज अवर प्लेयर वन, सो एट दिस नॉट ही इज फेसिंग दीज टू पे ऑफ माइनस टू वर्सेज माइनस वन. वट शुड ही डू? तो ही विल ऑब्वियसली चूज फॉलो. ठीक है, बिकॉज द पे ऑफ ऑफ फॉलोइंग इज माइनस वन एज कंपेयर टू माइनस टू. यानी अगर वो अपनी धमकी लगाने के बाद छोड़ देता है तो उसको जो बेइज्जती हो रही है वो माइनस टू के बराबर है, उसका जो पे ऑफ है उस बेइज्जती का, जबकि निकाल देने का पे ऑफ जो है वो माइनस वन है. इन दिस सेंस के उसको अब जाकर नया बंदा तलाश वगैरह करना पड़ेगा. लेकिन अगर नहीं निकालेगा तो जो फिर उसकी ऑफिस में एक यानी एक इमेज खराब होगा, वो समझता है कि ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा. सो दैट इज सपोज माइनस टू. डेलिबरेटली ये पे ऑफ इस तरह का रखा गया है. सो व्हाट विल ही डू? ही विल चूज फॉलो. वो लेसर इवल को चूज करेगा. माइनस वन इज बेटर देन माइनस टू. तो ही विल चूज फॉलो एट दिस नॉट. ये तो क्लियर हो गया हमें. नाउ what will employee do given that boss is going to follow when the game reaches at the nod of b here. ye malum ho gaya, ye nod maine delete kar di, iski zarurat nahi hai na, ye to ab irrelevant ho gayi hai. employee ke samne scenario ye hai ki either he has a choice to quit stealing or continue stealing and get fired, kyunki jab game yahan pahunchna hai usko farak karega uske baad boss. ab uske samne bilkul clear choice hai, चोरी बंद करो वर्सेस चोरी जारी रखो और नौकरी से फारग हो जाओ. तो इन दैट केस ही इज बेसिकली कंपेयरिंग ए पे ऑफ ऑफ वन वर्सेस माइनस सॉरी जीरो वर्सेस माइनस वन. ये जीरो वर्सेस माइनस वन इसलिए क्योंकि ये इंप्लॉय प्लेयर टू है, ये दूसरा नंबर जो है ये प्लेयर टू का पे ऑफ है. सो ही हैज टू कंपेयर जीरो विद दिस माइनस वन. सो व्हाट शुड ही डू? क्लियरली ही शुड क्विट. Quitting is a better option than continue to steal. So the employee will stop stealing, or he should not be stealing at this nod. ठीक हो गई ना बात? अब हमारे पास game ये रह गया है. Left side से game, I repeat, हमने solve किया कि अगर वो warning issue नहीं करता, employee चोरी करेगा, boss ignore करेगा. This is the payoff zero. फॉर बॉस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे क्या है? बॉस वार्निंग जारी करे, उसके नतीजे में एम्प्लॉय क्या करेगा? क्विट करेगा. सारा गेम नीचे वाला इररिलेवेंट हो गया. ही विल क्विट एंड बॉस हैज दिस पे ऑफ नाउ इन दिस सिनेरियो. अब उसके दोनों पे ऑफ क्या हैं? इफ ही डज नॉट इश्यू बेसिकली वार्निंग, देन हिज पे ऑफ इज जीरो. ऑन द अदर हैंड इफ ही इश्यूज अ वार्निंग, हिज पे ऑफ इज वन. ठीक है ना, एक फिर उसको यहां ना इस केस में जीरो मिल रहा है. यहां पर एक इसलिए मिल रहा है क्योंकि वार्निंग जारी करने के बाद जो उसका कारकुन है या जो वर्कर है या जो काम करने वाला है, जो मुलाजिम है, उसने चोरी छोड़ दी तो फायदा हो गया यानी बॉस को. और अगर वो नहीं जारी करता, वो चोरी जारी रखेगा और उस्ताद को या जो भी एम्प्लॉय है उसको जीरो का पे ऑफ मिल गया. Getting the point? So, what should he do? He should clearly choose 1 over 0. In other words, he should issue warning as compared to not issuing the warning. So, he will issue warning basically. है ना? Warning issue करना, warning issue ना करने से उसके scenario में बेहतर एक चीज बन जाएगी. अच्छा, अब अगर आप इस गेम का एस पी ई लिखें, सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया, तो अब वो डिलीट हो गए हैं वो सारे गेम. लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लेयर वन ने क्या क्या किया है.
प्लेयर वन ने किया है वार्निंग, ठीक है, अगर इस तरफ गेम चलता है ही इग्नोर्स, और अगर वार्निंग इश्यू करने के बाद गेम मजीद आगे चलता है तो आप याद करें यहां फॉलो करता था वो, तो फॉलो प्लेयर वन की स्ट्रेटजीज है वार्निंग इग्नोर फॉलो, या तरतीब कुछ भी रख लें, वार्निंग फॉलो इग्नोर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और प्लेयर टू की क्या चॉइसेस हैं कि अगर प्लेयर वन जो है वो वार्निंग जारी करेगा तो ही विल क्विट, और अगर वो वार्निंग जारी नहीं करेगा ही विल स्टील। सो वी हैव दिस सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम, ये तो इस गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द गेम? आउटकम ऑफ द गेम ये है कि बॉस जो है वो वार्निंग जारी करता है और चोर चोरी छोड़ देता है, दिस इज द आउटकम ऑफ दिस गेम। अब जो हमने ये गेम कंस्ट्रक्ट किया था उसमें आप गौर से देखें कि माइनस टू का जो पे ऑफ था कि जब वो उसको छोड़ देता था, अभी अगर आप ये गेम को मैं वापस लेकर जाऊं इस स्लाइड पर या इसी स्लाइड पर आए ना, हाँ इसी को दोबारा मैं चलाता हूं। अब आप देखें ये वाला जो माइनस टू है ना, दिस इज द की फॉर मेकिंग दिस चॉइस। अगर ये वाला यहां में जीरो होता, जैसे यहां था ना जीरो, इसकी वजह से उसने इग्नोर चूज कर लिया था, ये जीरो इज माइनस वन से बेहतर था, यहाँ ये माइनस टू इज माइनस वन से खराब है, इसलिए वो फायरिंग की तरफ जाता है, क्योंकि वो फायरिंग की तरफ जाता है इसलिए वो क्विट करता है। सो ये जो माइनस टू है दिस इज समथिंग विच इज मेकिंग हिज थ्रेट क्रेडिबल। अगर यहां जीरो होता, यानी अगर वो कोई ऐसा बॉस होता जिसके ख्याल में मेरी बेइज्जती होना ऑफिस के एम्प्लॉयज के सामने कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसको वो कहे इट्स ओके कोई बात नहीं, और यहां जीरो हो ये माइनस टू की जगह, तो फिर उसकी जो है वो यानी क्या कहना चाहिए, थ्रेट एम्प्टी होगी, इट विल नॉट वर्क। और चूंकि अब उसका रवैया ऐसा है कि एम्प्लॉयज ये समझते हैं कि यार चूंकि हमारा बॉस ऐसा है कि अगर भाई उसको आखिर में अपनी बात पूरी करने का अगर वक्त आ गया तो वो तो फिर करके रहेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो वो ही फील्स टू मच अबाउट है ना हिज रिस्पेक्ट, उसको बहुत बेइज्जती महसूस होती है फिर इस तरह के मामले में, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि वो ना करे। तो अपना ऐसा रवैया बनाना कि आपके एम्प्लॉई को ये लगे कि मैं अगर ये इस रवैये के साथ चलूंगा, कि अगर हमारा बॉस इस रवैये के साथ हमारे साथ चलेगा और हमने उसकी थ्रेट पर अमल नहीं किया तो वो फिर अपनी थ्रेट को एग्जीक्यूट करके रहेगा, ये रवैया कायम करना ये टाइम हैंड्स है। आ रही है ना बात समझ में? यानी अगर एक उस्ताद ये आपके साथ अपना एक रेपुटेशन लेकर चलता है कि भाई ये अगर हम इसके साथ ये करेंगे ना, और उसने अगर ये कह दिया है तो फिर ये पूरी करके रहेगा अपनी बात को, दिस इज हिज रेपुटेशन, क्योंकि ही देन टेक्स वेरी और शी टेक्स वेरी पर्सनली अबाउट इट, और चूंकि वो बहुत ज्यादा इस चीज को फील करते हैं या करती हैं, तो अब ये नहीं हो सकता कि हम इनकी वार्निंग को इग्नोर कर दें। अब जाहिर है इस तरह का बंदा जो इस रवैये को लेके चल रहा हो, ही इज ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क, है ना, इशूइंग वार्निंग और नॉट इशूइंग अ वार्निंग, ही हैज टू मेक दिस डिसीजन। लेकिन अगर उसने अपनी ये रेपुटेशन बना ली है तो गोया उसने अपने हाथ इग्नोर करने वाला खुद ही छोड़ दिया है, तो अब वो जो है वो उसके लिए अपनी वार्निंग जारी करना एक बेनिफिशियल काम इन मानों में होगा कि जो मकसद वो हासिल करना चाहता है वो हासिल हो जाएगा, यार रॉटन किड वाले फादर की तरह नहीं रहेगा अब ये, यानी आप भी समझ लेना रॉटन किड फादर की अगर मैं गेम के सिनेरियो को बदल दूं, और बच्चे को पता अब्बा फेंटी भी लगाते हैं और बहुत सारी लगाते हैं आखिर में, एंड दिस इज अ रेपुटेशन। अब जाहिर है ये रेपुटेशन वक्त के साथ ही बाप डेवलप करेगा ना, जिसकी एक कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट टाइम हैंड की तरह है उसके लिए, कि फ्यूचर में फिर उसकी जो थ्रेट्स होंगी वो एम्प्टी थ्रेट ट्रीट नहीं होंगी बल्कि क्रेडिबल ट्रीट होंगी। So building a particular type of the behavioral reputation is equivalent of tying hands. के आप किसी एक अमल को अपने लिए या किसी एक strategy को अपने लिए कुछ unattractive बना रहे होते हैं कि आप ये नहीं बल्कि कुछ और करेंगे। Okay. There is another method of making your threats credible, and this is known as burning the bridges. नाम से वाजे है कि होने क्या आने वाला, जैसे होता है ना कि वो यानी कश्तियां जला देना, कहते हैं ना कि भाई जब आप कुछ इश्क वगैरह वाले करने वालों के लिए इस तरह के बहुत शेर बनाए हुए कि कश्तियां जला कर आओ अगर इस रास्ते में आना है आपने,
किश्तियां जला कर आओ का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि क्लोज सम ऑफ योर ऑप्शंस, जस्ट फॉर डोंट कीप ऑल ऑप्शंस योर ऑल ऑप्शंस ओपन, बिकॉज यू आर इफ यू नो दैट ऑल ऑफ माय ऑप्शंस आर ओपन देन यू विल नॉट टेक अ बिग रिस्क, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कुछ ऑप्शंस को नामुमकिन बना दें अपने लिए, तो इससे आपके सामने वाले के ऊपर एक असर पड़ता है, यार देखो उस बंदे ने अपना वापस जाने का जो रास्ता है वो तो अब खत्म कर दिया है, अब तो ये लड़ेगा, गेटिंग द पॉइंट? व्हेन यू, वो कहते हैं ना कॉर्नर टाइगर ऑलवेज फाइट्स बिकॉज इट हैज नो ऑप्शन, लेकिन अगर उसके पास कोई और पीछे से निकलने का ऑप्शन है तो हमें पता होता है भाग जाएगा ये, तो लेट्स टेक अ रिस्क ऑन इट। लेकिन अगर आपको पता है कि आप ये कुछ नहीं कर सकता सिवाय यही करने के, तो पंजाबी में जिसको कहते हैं तंग आयत बजंग आयत, मतलब ये कि अगर किसी को हम तंग करें तो एक वक्त आ जाता है कि बस वो कहता है बस मैं कुछ और ऑप्शन है मैं लड़ूंगा, यू हैव आई हैव नथिंग टू लूज, है ना, वो वाली सिनेरियो फिर बन जाता है कि अब मैं बस यही करूंगा। तो दिस इज नोन एज बर्निंग द ब्रिजेस, और जिसकी स्टोरीज इस तरह की कई है कि आप कश्तियां जलाकर आगे बढ़ें। तो कश्तियां जलाना ये थ्रेट्स और कमिटमेंट्स को क्रेडिबल बनाने का एक तरीका है। नाउ लेट्स डेवलप ए स्टोरी ऑफ अ गेम। गेम की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक जंगजू कोई जर्नेल है जिसने ये फैसला करना है कि मैं दूसरे मुल्क के ऊपर इन्वेड करूं या ना करूं, ठीक है, हमला कर दूं या ना कर दूं, ये वो मतलब ये कि फैसला कर रहा है। और उसको खतरा ये है कि जब मेरी फौज, फर्ज करें दरमियान में कोई पुल है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए, कोई दरिया वगैरह है रास्ते में, और दरिया के एक तरफ एक मुल्क है और दूसरी तरफ दूसरा मुल्क है, एंड व्हेन द आर्मी गोज फ्रॉम द आफ्टर पासिंग द ब्रिज टू द लैंड ऑफ अदर कंट्री, देन अदर कंट्रीज जर्नेल इज ऑल्सो गोइंग टू रिटेलिएट, है ना, वो आराम से नहीं बैठेगा, वो हमला कर सकता है बदले में हमारे यानी इस एक्टिविटी के ऊपर। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन, ये अब जाहिर है जब वो हमला करेगा तो मुझे अपनी फौज को मोटिवेट करना है कि भाई लड़ो अब। अच्छा, अब एज ए जर्नेल मेरे सामने एक ऑप्शन ये है कि मैं पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाऊं, ठीक है, दूसरे के मुल्क में दाखिल हो जाऊं और पीछे पुल को जो है वो खुला रखो, ठीक है, पुल को खुला इसलिए रखूं कि अगर मुझे ये लगा कि सामने वाले ने हमला कर दिया है, उसने रिट्रीट नहीं किया बल्कि हमला कर दिया है, तो हम आराम से उस पुल के जरिए से अपने मुल्क में अंदर वापस आ जाएंगे एंड देन वी विल बी सेफ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, अब मैं कहता हूं भाई अब आ गए तो अब लड़ना पड़ेगा, वापसी वूपसी कुछ नहीं है अब, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जब मैं पुल क्रॉस करके दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो गया तो अब मैंने अपनी आर्मी को कहा कि ये जो ब्रिज है ना इसको आप जला दो, इसको गिरा दो, तोड़ दो, और वो पुल का गिराना मैं अपने फौजियों को ये सबक दे रहा हूं गोया कि लुक एट जेंटलमैन देयर इज नो वे बैक, नाउ वी हैव टू फाइट। आ रही है बात समझ में? तो बर्न और डोंट बर्न। तो ये जो जर्नेल नंबर वन है इसके सामने ऑप्शन ये है कि वो दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस करके जब उसमें शामिल हो गया, दाखिल हो गया, तो पुल को गिराए, जलाए या ना जलाए, ही हैज टू ऑप्शंस। नाउ इफ ही हैज नॉट बेसिकली बर्न द ब्रिज, तो अब जो आर्मी नंबर टू का जर्नेल है उसके पास, या सदर वजीर आजम जो भी है जिसने ये हुक्म जारी करना है कि जी अब क्या करो तुम, ही हैज टू ऑप्शन। एक ये है कि वो चुप कर जाए, कुछ भी ना करे, लड़ाई ना करे, और दूसरा ये कि लड़ाई करे, चैलेंज करे कि जो आ गया है अब, मतलब ये कब्जा करने के लिए उसके साथ मुकाबला करे, चैलेंज करे। इफ ही डज नॉट देन द पे ऑफ ऑफ प्लेयर वन इज वन बिकॉज ही इज अ विनर एंड द पे ऑफ ऑफ टू इज जीरो। सपोज आप कह सकते हैं माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये तो स्टोरी हम बना रहे हैं ना, और अगर यहां मैं अगर जीरो करूंगा तो फिर यहां जाके मुझे कुछ नंबर इससे बढ़ाना पड़ेगा। आइडिया ये है कि ये नंबर इससे ज्यादा होना चाहिए टू कंस्ट्रक्ट सम मीनिंगफुल स्टोरी। बहरहाल जीरो है, माइनस वन है, इसे को हम ये बस नफर्ज कर लिया कि ये जीरो है, इसको कुछ भी नहीं मिला, बस जमीन वगैरह उसकी चली गई और वो जीत गया, है नंबर वन इज विनर। अल्टरनेट ये है कि उसके साथ लड़े, तो अगर वो लड़ाई शुरू कर देगा तो अब जो प्लेयर वन है
जिसने सरहद की दूसरी तरफ आने का फैसला कर लिया था एंड ही हैज नॉट बर्न द ब्रिज, उसके पास ऑप्शन है रिट्रीट कर जाए, वापस चला जाए। अरे ये बात समझे, वो वापस चला जाए, चुपके से वापस चला जाए, एंड इफ ही गोज बैक हिज पे ऑफ विल बी जीरो व्हाइल द पे ऑफ ऑफ टू विल बी वन, बिकॉज इन दिस केस अब जो प्लेयर टू है वो जीत गया और प्लेयर वन सॉर्ट ऑफ रिट्रीट जो है वो लॉस है उसके लिए, तो इसका पे ऑफ ऑफ जीरो। अब आप यहां पर भी कह सकते हैं माइनस वन लगाएं, बट इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस एज लॉन्ग एज वी हैव कंस्ट्रक्टेड दीज पे ऑफ पे ऑफ कंसिस्टेंटली। तो जैसे यहां मैंने जीरो कहा था हारने वाले को, यहां भी हारने वाले को जीरो कह रहा हूं। और अल्टरनेटिव ये है कि अब वो जो सरहद क्रॉस करके आ गया वो लड़े, भागे क्यों, वापस ना जाए, लड़े। एंड इफ दे बोथ बेसिकली एंगेज इन वॉर और फाइट दे विल हैव अ पे ऑफ ऑफ माइनस वन इन द सेंस दैट बोथ विल लूज, दोनों के बंदे वगैरह भी मरेंगे, दोनों के असलाह वगैरह भी जाया होगा और वगैरह ये हो वट एवर, यानी दोनों को नुकसान होने वाला, जंग में दोनों को नुकसान हो रहा है। दिस इज अब मतलब जाहिर है इस कहानी को मजीद डिवेलप किया जा सकता था कि जंग कोई यानी हमेशा थोड़ी चलती है, या दोनों जीत जाएंगे या दोनों नहीं जीतेंगे या कोई एक जीत जाएगा वट एवर, लेकिन फिर आपको आगे और गेम बनाना पड़ेगा। बट दैट इज नॉट बेसिकली अवर ऑब्जेक्टिव हेयर कि पूरी क्यामत तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुमकिन वाकयात हो सकते थे उसको हम यहाँ मॉडल कर दें। वट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ बर्निंग ब्रिजेस, वट कैन बी इट्स बेनिफिट। ठीक है, तो गेम यहाँ इस तरह चल रहा है। ऑन द अदर हैंड टू द लेफ्ट साइड वट हैपन्स, he has two options, he has one option, either burn or don't burn, so he burns this time, he makes it just twice. agar wo ye faisla karta hai to ab jo army 2 hai uska jo yani officer hai uske baad ek option hai ki don't fight, theek hai, aur dusra hai ki fight, invade karne ka matlab hai ki aane wali jo fauj hai us pe hamla kare ab, invade don't invade. agar wo invade nahi karta So, जो है ये जीत गया बिल्कुल उसी तरीके से जो यहां हो रहा था। ठीक है, पहला वाला जीत गया और दूसरा हार गया। और अगर इन्वेट करता है ही हैज अ पे ऑफ ऑफ प्लेयर वन हैज अ पे ऑफ ऑफ माइनस वन एंड प्लेयर टू हैज अ पे ऑफ ऑफ माइनस वन। ठीक है, क्योंकि अब जंग करना पड़ रही है तो भाई फटाफट जो है वो फिर वो होगा क्या कहते हैं, दोनों को नुकसान होगा इस जंग में लड़ाई में। नॉट वेरी केयरफुली कि यहां के बाद फिर प्लेयर वन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या कर सके, रिट्रीट कर सके। वाई नॉट, बिकॉज ही हैज बर्न्ड द ब्रिज, ही डज नॉट हैव द ऑप्शन गो बैक, अनलाइक ऑन द राइट हैंड साइड कि जहां उसने पुल नहीं जलाया था, जब पुल नहीं जलाया था तो उसके बाद यहां से ऑप्शन था कि जब सामने से हमला हुआ भाग जाओ वापिस या लड़ो, यहां भागने का कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है उसके पास। दिस इज बर्निंग द ब्रिज। बर्निंग द ब्रिज बेसिकली क्या करता है, इट इलिमिनेट्स एन ऑप्शन फ्रॉम द स्ट्रेटजी सेट ऑफ अ प्लेयर। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टाइंग हैंड्स एंड बर्निंग द ब्रिज। टाइंग हैंड के नतीजे में एक ऑप्शन बिल्कुल खत्म नहीं होता, अनएट्रेक्टिव होता है, जबकि बर्निंग द ब्रिज इलिमिनेट्स एन ऑप्शन और स्ट्रेटजी फ्रॉम माई स्ट्रेटजी सेट। तो ये फर्क दोनों में अच्छी तरह जहन नशीन रहना चाहिए आपको। चले लेट्स एनालाइज दिस गेम, वट विल प्लेयर डू एट नॉड वन, प्लेयर वन अगर गेम यहां पहुंच गया, ये जो लास्ट नॉड है प्लेयर वन के पास यहां, वट शुड ही डू इफ द गेम रीच इज हेयर, ही हैज टू ऑप्शन रिट्रीट फाइट। तो इफ ही रिट्रीट्स हिज पे ऑफ इज जीरो and if he continues to fight his payoff is minus 1, so what should he do, he should retreat clearly, bhag jao wapas, matlab jo pull nahi jalaya tha usse wapas chale jao, he is better off leaving back. acha, what then player 2 does when the game goes back to this nod, he has two options, remember, either don't go away, don't challenge the offender or challenge him. If he does not challenge, his payoff is zero, and if he challenges, then player one is going to retreat and his payoff is one. So he has a choice between zero and one. ये अभी हमने वर्कआउट कर लिया कि जब गेम यहां पहुंचेगा तो प्लेयर वन ने रिट्रीट करना है, वो इस तरफ नहीं जाएगा, he will be worse off, minus one is
वर्स देन जीरो, तो गेम ने इस तरफ चलना है रिट्रीट, और जब वो रिट्रीट होगा प्लेयर टू को फिर पे ऑफ मिलना है वन। सही हो रही है ना बात? बात आई होप के द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अगर वो बर्न नहीं करता और गेम यहां पहुंचेगा, प्लेयर वन इज गोइंग टू चूज रिट्रीट, गेम गोज बैक टू द प्रीवियस नॉट, प्लेयर टू देन चूजेस चैलेंज बिकॉज दैट विल अर्न हिम अ पे ऑफ ऑफ वन, वेयर एज नॉट चैलेंजिंग विल अर्न हिम ए पे ऑफ ऑफ जीरो बिकॉज ही इज गोइंग टू लूज। तो ही विल, व्हाट विल ही डू, ही विल चैलेंज नॉट डोंट, ये नहीं चूज करेगा, वो चैलेंज करेगा उसको। तो ये राइट साइड पे तो हमारे सामने आ गया, इफ ही डज नॉट बर्न प्लेयर टू इज गोइंग टू चैलेंज, देन प्लेयर वन विल बी फोर्स्ड टू रिट्रीट। तो हमारे पास गेम ये बचा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अब आ जाए। अब लेफ्ट साइड पे ये वाली नॉट एक ही है, वहां नीचे कोई नॉट नहीं है, तो इस नॉट को देखना है। व्हाट शुड प्लेयर डू डू इफ द गेम रीच इज हेयर, इफ ही इन्वेड्स हिज पे ऑफ इज माइनस वन, इफ ही डज नॉट हिज पे ऑफ इज जीरो, व्हाट शुड ही डू, ही शुड नॉट इन्वेड क्लियरली, अरे ना उसको नहीं करना चाहिए, सो ही विल नॉट चैलेंज इन अदर वर्ड्स, क्योंकि उसको पता है अगर चैलेंज किया तो जंग होगी, फिर बेहतर यह कि चुप करके बैठे रहो। अब प्लेयर वन ने फाइनल च्वाइस, उसके सामने ये सिनेरियो रह गया है कि अगर मैं बर्न करूंगा ब्रिज को सामने वाला लड़ेगा नहीं, एंड आई हैव अ पे ऑफ ऑफ वन, अगर मैं नहीं जलाता सामने वाला लड़ेगा, मुझे पीछे हटना पड़ेगा, एंड आई हैव अ पे ऑफ ऑफ जीरो, सो व्हाट शुड ही डू, शुड ही बर्न द ब्रिज और शुड ही नॉट, क्लियरली ही शुड चूज द ऑप्शन ऑफ बर्निंग द ब्रिज बिकॉज हिज पे ऑफ विल बी वन, एंड इफ ही डज नॉट बेसिकली देन हिज पे ऑफ विल बी जीरो, so he should basically burn the bridge to make his threat credible. Burning the bridge will make his threat credible, कि मैं हमला करूंगा, अंदर आऊंगा, घुस जाऊंगा और फिर छोड़ूंगा भी नहीं, यानी ये उसने धमकी हमकी लगाई, यानी ये जो उसने अपनी फौज के साथ फर्ज करें, यानी यूं समझे, सिनेरियो यूं समझे कि वो अपनी फौज को कहता चलो आओ हमला करने चलते हैं, लेकिन वहां जाके ना ब्रिज को जलाता नहीं है, उनको मोटिवेट तो करता लड़ना है लड़ना है, लेकिन ऑप्शन भागने का वापस खुला भी रखता है, तो इवेंचुअली क्या होगा, जब सामने वाला लड़ने आएगा भाग जाएंगे बिकॉज दे हैव एन ऑप्शन, वो बेटर ऑप्शन है लड़ने से। अब हम ये और या यूं भी समझ लें कि वो पुल को जलाया नहीं है, बस ऐसे ही अपनी फौज को कह रहा है नहीं लड़ोगे तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन जाहिर है खुद उसके लिए लड़ना बुरी चीज है बिकॉज ही विल बी ऑन द लूजिंग पार्टी साइड, है माइनस वन पे ऑफ बुरा है उसके लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चुप करके जाके जब फौज दूसरी चले जाए वो पुल को बम धमाके से उड़ा दे तोड़ दे ताकि उसके फौजियों को पता चल जाए भाई अब लड़ना वड़ना ही है, और जो सामने वाला जर्नेल है उस पर भी ये इम्पैक्ट जाएगा कि यार अगर जब उसे ये खबर मिलेगी कि भाई वो फौज आ गई है और उसने अपना पुल भी तोड़ दिया पीछे, तो अब ये उसके लिए मैसेज होगा कि भाई अगर अब हमने सामने से इनके साथ मुकाबला किया तो ये तो बस अब लड़ेंगे बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन बट टू फाइट, और अगर हमने फाइट शुरू कर दी एंड दे ऑल्सो स्टार्ट फाइटिंग वी विल बोथ बी हैविंग ए वर्स पे ऑफ, तो बेहतर ये कि चलो अब खामोशी से जो है वो बर्दाश्त कर लो उसके इस आने को, और वजू ये जो हमारे इलाके में वो आ गया है थोड़ा बहुत इलाका जो उसको मिल गया, वट एवर दैट स्टोरी इज। तो पॉइंट ये है कि बर्निंग द ब्रिज अगरचे जर्नेल वन के एक ऑप्शन को खत्म कर देगा जिंदगी से उसकी, लेकिन उस ऑप्शन को खत्म करना उसके लिए कोई बुरा नहीं है बल्कि फायदे की चीज है, इस सेंस में कि वो वॉर जीत जाएगा, है ना, यानी इफ ही इन्वेड्स इफ ही क्रॉसेस द ब्रिज एंड गोज इनटू द एरिया ऑफ द अदर आर्मी अदर कंट्री और एंड देन ही बर्न द ब्रिज, वो कहता है बस ऑप्शन खत्म बस लड़ना है भाई अब हम तैयार हैं आ जाओ, तो दिस विल गिव ए क्रेडिबल थ्रेट टू द सेकंड आर्मी, ओके लेट्स नॉट बेसिकली फाइट बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ गोइंग टू फाइट एनी हाउ, यानी सिर्फ अगर वो बर्न ब्रिज बर्न किए बगैर ही हमारे इलाके में आ गया तो वी नो के अब वो विदड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बाकी है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ बर्निंग, यानी पॉइंट क्या है रफली, बात समझने के बाद क्या है, बात यही है जो मैंने पहले भी अल्फाज में कह चुका
eliminating an option in your life is not always bad. ठीक है, बल्कि sometimes ऐसा होता है कि having many options is bad. क्यों? क्योंकि आपके सामने अगर वापस पलटने के बहुत सारे रास्ते खुले हों तो आप बहुत सारी जद्दोजहद करने से जल्दी उकता जाते हैं. जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले तभी इंसान करता है जब उसके पास कम ऑप्शन होते हैं. तब वो जो फैसला करता है वो भगूंगा को पता था, आई हैव बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस. और अगर वो ऑप्शन आपने खुद ही अपने हाथ से खत्म कर दियो, देन दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू कि भाई अब तो मैंने यही करना है, आप आओ कुछ नहीं कर सकता. अल्लाह माफ करे ये जो लोग इस तरह के आप देखते हैं ना ड्रामों फिल्मों में, वो भाग जाते हैं घरों से और फिर निकाह रचा लेते हैं. तो मतलब वो दे बर्न द ब्रिजेस. ठीक है, वो और बात है कि वो हकीकत में जलाते नहीं है, वो फिर ड्रामा ये करते हैं कि निकाह वगैरह करने के बाद फिर उनका अम्मा अब्बा की याद आना शुरू हो जाती है. मोहब्बत का वो जो आला मर्तबा उन्हें कुछ लम्हे के लिए हासिल हुआ होता है कि हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, और जो है वो फिर उन्हें गाने भी याद आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं आशिकी वाले कि छोटी सी दुनिया मोहब्बत पता नहीं दिल में रहूंगा ये वो पता नहीं, मुझे तो गाने याद नहीं हो पाते ना शायरी सही से याद होती है. लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने जो इंसान को मोटिवेट करते हैं कि इस तरह जो है ये होती है असल मोहब्बत, जब इंसान कुर्बानी दे और सब कुछ छोड़ दे और मेरे लिए ये करो. मतलब वो बातों में आके वक्ती जज्बात में वो कर बैठते हैं और फिर उसके बाद उन्हें समझ में आता है व्हाट वी हैव लॉस्ट एंड देन दे गो बैक. तो बजायर उन्हें लगता है वो हम ब्रिज जला रहे हैं लेकिन वो जला नहीं रहे होते, वापस जाते हैं. थोड़ी देर में खतरा महसूस होता है गलत ब्रिज जला दिया था हमने. तो बहुत कम लोग होते हैं जो फिर उस फैसले को इस्तकामत के साथ उस पर अमल पैरा हो पाते हैं. निहायत यानी बुरा फैसला है ये, लेकिन बहुत कम उस बुराई को भी पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली ओन करते हैं. ठीक है ना, यानी वो असल में उन्होंने ब्रिज जलाया नहीं होता, सिर्फ अपने आप को धोखा दिया हुआ होता. तो भाई अगर इतने ही सच्चे हो मोहब्बत में तो जाओ ना, वापस क्यों जा रहे हो ना, गो लिव योर लाइफ. लेकिन थोड़े अर्से बाद उन्होंने फटाफट याद आ जाता. खैर ये तो एक यानी अलग बात है. यानी बर्निंग द ब्रिजेस का मतलब यही होता है कि वेन यू हैव एलिमिनेटेड एन ऑप्शन देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू मूव फॉरवर्ड. ये आइडिया होता है, बस अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पीछे नहीं जा सकता. और जब मुझे ये मालूम हो कि अब मैंने सिर्फ आगे बढ़ना है, अच्छाई की बात कर रहा हूँ बुराई में नहीं, अब मैंने सिर्फ आगे बढ़ना है, तो फिर इंसान आगे बढ़ ज़्यादा आगे बढ़ पाता है बनिस्बत उस शख्स के जिसके पास पीछे जाने के भी ऑप्शन मौजूद हों. रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर डिजायरेबल, नॉट थिंग्स अबाउट दैट आर अंड. यानी बुराई में आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. बुराई में तो यही रुक जाओ, तौबा करो, वापस चले जाओ, यही है तौबा और यही रिक्वायर्ड होता है. बुराई में कभी भी इंसान को आगे नहीं जाना चाहिए. 12. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइंग हैंड्स एंड बर्निंग द ब्रिजेस. ओके, ये वही वाली स्लाइड तो नहीं आ गई दोबारा, आई थिंक वही वाली शायद डबल आ गई. हाँ यस, दिस इज सिंपली द रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, सो आई हैव क्लैरिफाइड इट. तो अच्छा जी चले. There is another important issue that need to be discussed about threats and commitments, and that is time inconsistency problem. What is time inconsistency problem? This problem can be very accurately analyzed in game theoretic problem. To reveal the idea behind this time inconsistency problem, let's consider this game, very simplified game. Game ye hai ki there are two players. Okay? You and a police officer, या traffic police officer. Story ये है कि फर्ज करें आप motorway पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं highway पे सफर करते हुए, और आपको एक traffic police वाले ने detect कर लिया या एक police वाले ने detect कर लिया और उसको शक है कि आपके सामान में कुछ मशकूक चीजें. अब जाहिर है ये जो story किताब वाले ने लिखी हुई है वो पाकिस्तानी scenario में नहीं लिखी हुई. पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपको पुलिस वाला या कोई भी पकड़ ले तो वो बगैर किसी वारंट के आपकी तलाशी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे कानून वही है जो पुलिस वाला है, उससे ज्यादा कोई कानून नहीं है. ताकतवर का कानून है ना यहाँ, तो जिसका जो दिल करता है, जो ताकतवर है वो कानून बना लेता है. लेकिन अगर आप थोड़े ऐसे सोसाइटीज में चले जाएंगे, वैसे ऐसी सोसाइटी है कहीं नहीं, हाइपोथेटिकल सोसाइटी है. इमेजिन करेंगे एक ऐसी सोसाइटी है
जहां लोग हमेशा कानून के मुताबिक चलते हैं। जस्ट गो बैक टू ए हाइपोथेटिकल सोसाइटी, और कई सोसाइटियों में जरा हमारे मुकाबले में कुछ बेहतर हालात भी हैं कि लोग कानून के मुताबिक अमल करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब बदमाश हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रूल्स के मुताबिक बिहेव करते हैं। ओके एनी हाउ, सो देयर इज अ पुलिस ऑफिसर, सॉरी यू आर कॉट ऑन ए हाईवे, और पुलिस वाले को या जो भी वो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसको ये शक है कि कुछ है सामान में, और वो चाहता है कि आपके सामान की वो करे तलाशी, बट ही डज नॉट हैव अ राइट टू डू दिस। ठीक है ना, आपके पास ये ऑप्शन है, यू हैव द ऑप्शन टू अलाउ हिम, ठीक है, और वो आपसे ये कहता है कि भाई देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे ही तलाशी लेने दो, और देन वेट फॉर द मेजर पुलिस विच इज गोइंग टू कम एंड देन हैव सर्चिंग ऑफ योर कार, और इसमें हो सकता है घंटा लग जाए। आ रही है ना बात समझ में? यानी वो किताब वाले ने K9 पुलिस ब्रिगेड का एक नाम लिखा हुआ है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है पुलिस से सिर्फ। यानी यूं समझ लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस वाला है जिसके पास ये राइट तो है, जैसे कानून यही कहता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता, उसको कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता देता। इसी तरह पुलिस वाला कानूनन आपका लाइसेंस चेक नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी के कागजात आपसे वो पूछ नहीं सकता, अंटिल और अनलेस कोई स्पेशल परमिशन उसको दिया। वो पाकिस्तान में तो और बात है, ये सब कुछ करते फिरते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता बाय लॉ। तो जस्ट इमेजिन कि आपको मोटरवे पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, एंड ही इज गिविंग यू टू ऑप्शंस, ओके अलाउ मी टू हैव सर्चिंग ऑफ योर कार और डू जस्ट देन वेट एंड आई विल ऑल्सो वेट विद यू, देन द पुलिस इज गोइंग टू कम विच इज ऑथराइज टू डू दिस सर्चिंग। एक ये यानी सिनेरियो है तुम्हारा, इंतजार करो पुलिस का और या मुझे इजाजत दे दो। अगर तुम मुझे इजाजत दे दोगे तो फिर पुलिस वाले जो ऑफिसर है उसके पास दो ऑप्शन है कि वो मोटी मोटी सी चेकिंग करे, क्विक सर्चिंग करे, है थोड़ा सा ऐसे ही बस कर ले, कोई दरवाजा खोल के देख ले, डिग्गी खोल के देख ले, बक्सों को आगे पीछे करके देख ले, या वो एक्सटेंसिव सर्चिंग करे। एक्सटेंसिव सर्चिंग का मतलब यह है कि आपके सारे बैग खोलना शुरू कर दे, एक एक चीज जो है वो देखे कि जी आपकी गाड़ी में क्या है और क्या नहीं है। एंड यू डू नॉट लाइक कि भाई वो मेरा सामान इस तरह से सारा बखेर के रख दे तो मैं क्यों इसको इजाजत दूं। व्हाट यू लाइक इज कि वो अगर करना भी चाहता है तो जल्दी से करे और मुझे छोड़ दे। यानी आपका इंटरेस्ट ये है कि पुलिस आएगी, दो घंटे मेरे भी जाया होंगे, बेहतर यह कि ये जल्दी से मोटी मोटी मेरी तलाशी ले और मुझे जाने दे। लेकिन पुलिस वाले का इंटरेस्ट तो जाहिर है इस चीज में नहीं होगा कि वो मोटी मोटी सी तलाशी ले, उसका इंटरेस्ट तो इसमें होगा कि वो जब उसको आपने इजाजत दे दी ट्रैफिक पुलिस वाले को तो फिर वो आपका सारा सामान खोले। आ रही है ना बात समझ में? सो दिस इज द स्टोरी। पुलिस वाला आप क्या करता है, वेयर इज थ्रेट एंड कमिटमेंट इन ऑल दिस? पुलिस वाला कमिटमेंट करता है आपको फर्ज कर ले परसुएड करने के लिए, यानी जो ट्रैफिक पुलिस वाला मुराद है, वो ऑफिसर आपको साथ एक कमिटमेंट करता है, ओके यू अलाउ मी I promise that I will do quick searching। ये उसने आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम क्यों खज्जल हो रहे हो, क्यों इंतजार, भाई मुझे तुम इजाजत दे दो, हैं रिटर्न में लिखकर दे दो कि मैंने इसको इजाजत दे दी है तो मैं तुम्हारे सामान की बस एक मोटी मोटी जो है वो करूंगा चेकिंग, और फिर तुम चले जाना, बस तुम भी चले जाओ, मेरा भी टाइम भाई बर्बाद नहीं होगा ये वो। ठीक है, सो लेट्स सी इफ द प्रॉमिस ऑफ द ऑफिसर टू मेक क्विक सर्च इज क्रेडिबल। अब उसने एक प्रॉमिस किया है, मैं वादा करता हूं कि मैं ये करूंगा, ये जो कमिटमेंट उसने की है ये क्रेडिबल है या नहीं है, विल ही एग्जीक्यूट इट और नॉट व्हेन द टाइम कम्स। आ रही बात समझ में? ओके लेट्स सबसे पहले इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं, फिर ये टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम की तरफ बाद में जाते हैं। लेट्स सी वेदर इट इज क्रेडिबल। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द गेम रीचेस हियर, इफ यू अलाउ, इन अदर वर्ड्स इफ यू अलाउ, व्हाट विल हैपन इफ यू अलाउ हिम? He has two options, quick search, extensive search. He is player two, remember? So he is a payoff of two if he does quick search, and if he has a payoff of three if he goes for extensive searching. So police officer ko once you allow, he has a self-interest in what? Extensive searching. Wo extensive searching hi karega. क्योंकि उसका मकसद पूरा नहीं होगा क्विक सर्चिंग से, यानी इफ यू अलाउ हिम ही विल गो फॉर एक्सटेंसिव सर्चिंग।
तो यहां हमने गेम सॉल्व कर लिया, गेम अगर यहां पहुंचा तो एक्सटेंशन सर्चिंग होगी, यानी जो वो वादा कर रहा है वो उसका वो उस पर पूरा नहीं उतरने वाला, हमें पता लग गया। एंड वंस द गेम यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एक्सटेंशन सर्चिंग, सो देन यू हैव टू मेक अ चॉइस, ईदर वेट फॉर द पुलिस एंड अर्न ए पे ऑफ ऑफ टू, और अलाउ हिम फॉर एक्सटेंशन सर्चिंग एंड हैव अ पे ऑफ ऑफ वन। अब ये डेलिबरेटली आप ये यानी हमने ये पे ऑफ क्यों रखे हैं, आपके किसी के जहन में अगर ये सवाल आ रहा है वो टू क्यों है, ये वन क्यों है, वो हमने इसलिए यूं समझ लें कि जब ये बंदा इसके सामान को खोलेगा तो ये हर चीज खोल के रख देगा और इससे इसका बहुत ज्यादा वक्त जाया होगा, सारा सामान इसको लपेटना पड़ेगा। वो जो दूसरा पुलिस वाला आएगा वो एक्सपर्ट होगा, उसके पास औजार होंगे, वो चीजों की यानी सर्चिंग इतनी नहीं करेगा, और मे बी फॉर वट एवर रीजन वो वेट करने का टाइम तो ज्यादा है लेकिन सर्चिंग से जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सर्चिंग से जो बेइज्जती महसूस होने वाली है या जो उसका लॉस होने वाला है वो इन अदर वर्ड ज्यादा है। इस सेंस में आप इस पे ऑफ को इससे छोटा समझें कि एक्सटेंसिव सर्चिंग में उसका पे ऑफ वन है, यानी उसका उसका कम फायदा है, और पुलिस के इंतजार में उसका फायदा ज्यादा है फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड पे ऑफ अवेलेबल। So what should he do? He should wait for police, है ना? उस केस में उसका पे ऑफ टू है, और अगर उसको अलाउ किया वो सारा सामान कचरे की तरह बिखेर देगा एंड हिज पे ऑफ विल बी वन। What is the SPE of this game? Sub game perfect equilibrium. The sub game perfect equilibrium is police for player one and extensive searching for player two. ये है इस गेम का जो है वो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि आप इंतजार करेंगे बिकॉज यू आर द फर्स्ट मूवर, यू विल वेट। अरे ना बात समझ में, आप वेट करें, चलो भाई ठीक है मैं भी बैठा हूं तुम भी बैठो, लेट्स वेट। दिस इज द आउटकम ऑफ दिस गेम। नाउ नोट वेरी क्लियरली, यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो हमें मालूम होगा कि ये थ्रेट क्रेडिबल नहीं है, लेकिन ये एक खास तरह की इनक्रेडिबिलिटी है। वो क्या है? लेट्स एलिबरेट ऑन दिस। गौर से देखिए इस गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम क्या है, पुलिस एक्सटेंसिव। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस सिनेरियो को कंपेयर करूं इस सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम से कि प्लेयर वन उसको अलाउ कर दें, यानी आप उसे अलाउ करें और वो क्विक सर्चिंग करें। वंस अगेन सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम क्या है, बोथ ऑफ यू वेट, ठीक है, यानी ये आउटकम है पुलिस एंड एक्सटेंसिव, दिस इज सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। आउटकम क्या है? बोथ ऑफ यू वेट। जस्ट कंपेयर इट विद दिस ऑप्शन कि आप उसको अलाउ कर दें और वो अपने वादे के मुताबिक क्या करे, क्विक सर्चिंग कर ले। तो इन दैट केस ये वाला जो पे ऑफ है इसको जरा इससे कंपेयर करें, बोथ प्लेयर आर बेटर ऑफ। प्लेयर वन का पे ऑफ होगा थ्री जो कि इस टू से ज्यादा है, प्लेयर टू का पे ऑफ होगा टू जो कि इस वन से ज्यादा है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम के मुकाबले में ये जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है दोनों के पास अवेलेबल है, जिसको अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि थ्रेट क्रेडिबल नहीं है, वो अलाउ और क्विक का था और वो बेहतर है दोनों के लिए, बट दे आर अनएबल टू फॉलो इट। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रॉन्ग हियर, वो क्या रहा है? जो प्रॉब्लम यहां इन्वॉल्व है इस कमिटमेंट या प्रॉमिस में, उसको कहते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम इन इजी वर्ड्स ये है कि ये जो लिखा हुआ है दैट पीपल व्हाट पीपल से दे वुड डू इन फ्यूचर इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड एक्चुअली डू व्हेन द टाइम ऑफ डूइंग द एक्शन कम्स। ये प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आइडिया ये है कि मैं जब दावा कर रहा हूं तब मेरा इंटरेस्ट कुछ और है कि मैं ये करूंगा, लेकिन दो ऑप्शंस ए और बी में से अभी जब मैंने ए और बी करने का वक्त नहीं आया, उससे बहुत पहले हूं, तो मैं मुझे लग रहा है कि जब मेरे पास ए और बी की चॉइस आएगी ना तो मैं ए करूंगा, लेकिन जब मैं ए नॉट उस नॉट पर पहुंच जाऊंगा जहां ए और बी मुझे एक्चुअली चूज करना है, तब मेरा इंटरेस्ट बदल जाता है और फिर वहां जाके मैं ए की जगह बी चूज कर लेता हूं। दिस इज कॉल्ड टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। यानी
किसी एक लम्हे पर खड़े होकर जो चीज मुझे अपने लिए बेहतर महसूस होती है, वक्त का वो लम्हा जहां जाकर वो फैसला मुझे करना है, उस लम्हे पर फिर मुझे वो चीज बेहतर नहीं लगती, मुझे दूसरा ऑप्शन बेहतर लगता है। यानी व्हाट इज गुड फॉर मी इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मेरी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बदल जाती है टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन बदलने से। क्या मतलब है? लेट्स अप्लाई दिस आइडिया। जब दोनों यहां खड़े हुए हैं, आउटकम यही था ना एसबीई का, भाई दोनों वेट करो, इंतजार करो। अच्छा, अब वो दोनों खड़े होकर सोच रहे हैं कि यहां खड़े होकर यार अगर हम यहां के बजाय यहां आ जाएं, वी विल बोथ बी बेटर ऑफ। व्हेन दे आर स्टैंडिंग हेयर दे आर बेसिकली व्हेन दे आर स्टैंडिंग हेयर विच इज द सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया आउटकम दैट बोथ आर वेटिंग। और इस टाइम या इस डिसीजन को, इस आउटकम को वो जब कंपेयर करते हैं इस डिसीजन या आउटकम से, तो उन्हें लगता है कि ये वाला आउटकम क्या है, ये बेहतर है हम दोनों के लिए। इस सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया से जो आउटकम डिटरमिन हो रहा है वेट वेट का, यानी वेटिंग फॉर बोथ ऑफ अस इज इंफीरियर देन अलाइंग एंड क्विक सर्चिंग, है ना? जब मैं यहां इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, जब आप यानी जिसने इजाजत देनी है, जब वो यहां खड़े होकर प्लेयर टू, और वो देख रहा है, वो कह रहा है मैं मुझे यहां फायदा हो जाएगा, प्लेयर टू भी कह रहा है हाँ यार मैं अगर हम यहां से यहां आ जाए ना, हम दोनों को फायदा होगा। मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे ही ये गेम इस नॉट से चल के इस नॉट पे आएगा, एंड यू आर नो लॉन्गर ए डिसीजन मेकर, यू हैव अलाउड हिम, अब ये जो प्लेयर है इसका इंसेंटिव अब ये नहीं है कि जब के वो ये ऑप्शन चूज करे, बल्कि उसका ऑप्शन ये चूज करेगा, वो एक्सटेंसिव सर्चिंग उसके लिए आप बेहतर है क्विक सर्चिंग से। आ रही है ना बात? यहां जब वो खड़ा हुआ है उसको लग रहा है कि क्विक सर्च में टू मिलेगा, यहां वन मिल रहा है, लेकिन जब वो इस नॉट से गेम यहां आएगा, अब उसका इंसेंटिव बदल गया, एक्सटेंसिव सर्चिंग इज बेटर देन क्विक सर्चिंग। अब क्विक सर्चिंग उसकी प्रेफर्ड चॉइस नहीं रहेगी, यहां पर खड़े होकर उसको लग रहा है कि ये मेरी प्रेफर्ड चॉइस है। दिस इज नोन एज टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। कि एक यानी अगर एक कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें डिसीजंस कई नॉड्स पर हो रहा है, तो जब मैं उस नॉड से कहीं बहुत पीछे खड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा यार इस नॉड पे खड़े रहने के बजाय ना, मैं अगर वो आखिरी नॉड पे वो वाली ए पे चला जाऊं तो बेहतर होऊंगा। लेकिन मसला ये कि जिस नॉड से ए और बी में चॉइस निकलनी है, वहां जाके मुझे ए नहीं फिर बी बेहतर लगेगा और मैं बी पे चला जाऊंगा। दिस इज व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन हेयर। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो। यू मे आर्ग्यू, इफ यू आर ए रैशनल पर्सन यू विल वर्क इट आउट। आप कहेंगे कि यार हाँ, वो आपको हो सकता है कहानी सुनाए, यार भाई यार क्यों यहाँ खड़े होकर जलील हो रहे हो यार, तो मुझे इजाजत दो बस मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा। बट यू एज ए रैशनल पर्सन विल वर्क आउट कि ये अभी सिर्फ ये कह रहा है, जैसे मैं इसको इजाजत दूंगा ना फिर वो ये नहीं करेगा, फिर उसका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। इजाजत मिलने के बाद वो फिर कुछ उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, एक्सटेंसिव बेनिफिशियल है। वेटिंग के मुकाबले में क्विक इसको बेहतर लग रहा है, इसलिए ये मुझे अभी कहानी सुना रहा है, क्योंकि अभी उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। लिहाजा जैसे ही मैं इसको इजाजत दूंगा तो ये इसके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, वो इधर जाने के बजाय इधर चला जाएगा। दिस इज नोन एज टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। आसान लफ्जों में जिंदगी के कोई मिसाल लेनी हो, कई दफा आप समझें ये जो रिबिलियंस होते हैं ना, ये जो डाकू वगैरह, कई फिल्मों में भी आपने ऐसा देखा होगा, जो पुलिस कहती है कि जी अपने आप को हथियार फेंक दो तो हम यूं कर देंगे, छोड़ देंगे तुम्हें, या कई दफा लोग कहते हैं मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन वो जो सामने बंदा होता है वो क्या सोच रहा होता है, वो कहता है कि ये तो पुलिस वाला मुझे अभी कह रहा है, क्योंकि अभी इसके पास ऑप्शन नहीं है ना, अभी तो मेरे पास भी बंदूक पकड़ी हुई है, इसके पास भी बंदूक पकड़ी हुई है, तो अभी ये कह रहा है कि अगर मैं बंदूक फेंक दूंगा तो पुलिस वाले को लगता है कि ये मुझे छोड़ देगा, तो ये मेरे साथ मुकाबला करने के मुकाबले में मुझे छोड़ देना इसके लिए इसको बेहतर लग रहा है। बट वंस आई ड्रॉप द गन देन ही विल हैव टू ऑप्शंस, ईदर किल मी वेरी इजीली और अरेस्ट मी वेरी इजीली, और फिर छोड़ना इसके बेनिफिट में नहीं होगा। यानी जब तक मेरे हाथ में बंदूक है तब तक इस पुलिस वाले को ये लग रहा है कि मैं इसको, यानी वो मुझे, यानी डाकू ये आर्ग्यू कर रहा है कि पुलिस वाले, जब तक हम दोनों के हाथ में बंदूक है तब तक पुलिस वाले को ये लगेगा कि मुझे जो है वो छोड़ना
मेरे साथ लड़ने के मुकाबले में पुलिस वाले के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैंने गन ड्रॉप कर दी, अब पुलिस वाले के पास ऑप्शन बड़ी आसानी से आएगा, या मुझे आराम से गोलियां मारे, क्योंकि उसको पता मैं गोली नहीं चला सकता, और या ये है कि आके मुझे काबू पड़े और मारे मुझे और जेल में ले जाए, मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर कई दफा कहते ना, ये अभी कह रहा है, अभी कह रहा है, बाद में नहीं करेगा, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। तो दिस इज नोन एज टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई यानी वो नहीं है, यानी जो पॉइंट समझने का, यानी इसमें कोई यानी चालाकी का एलिमेंट नहीं है, और ना ही ये कोई यानी यानी कोई मीननेस है। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो पुलिस वाला ये झूठ बोल रहा है यहाँ खड़े होकर, नहीं, ही इज वेरी मच राइट। उसको यहां खड़े होकर यही लग रहा है यार वेट करना बुरा है और क्विक सर्चिंग बेहतर है। तो यहां खड़े होकर उसको बिल्कुल जेन्युइनली लग रहा है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट यही है कि वो क्विक सर्चिंग पे चला जाए। लेकिन मसला ये है भाई कि जैसे ही आप उसे अलाउ करेंगे, अब उसका सेल्फ इंटरेस्ट बदल जाएगा। इट इज नॉट आउट ऑफ मीननेस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, रादर ड्यू टू द चेंज इन सिनेरियो। तो सिनेरियो बदल गया, अब उसका सेल्फ इंटरेस्ट बदल गया, अब वो कुछ और करेगा। अरे ना बात समझ में, ये बिल्कुल अभी जो हम मिसाल लेके चल रहे थे उसी के साथ इसको मिला लें कि जब तक एक शख्स किसी को धोखा या बातों में शीशे में उतार के इस बात पे कायल नहीं कर लेता कि तुम मेरे साथ घर से भाग के निकल चलो और मैं यूं कर दूंगा, मैं वो करूंगा, सारी जिंदगी ऐसे करूंगा, भाई वो तो जब तक आप उसके साथ भागे नहीं उसको ये जेन्युइनली लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ भाग गए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयज हैव मोर ऑप्शंस, तो अब उसके बाद आपने निकाह वगैरह भी रचा लिया और कुछ दिन आपने गुजार लिए जिंदगी इकट्ठे, अब उसका इंटरेस्ट बदल गया, अब वो जेन्युइनली बदल। ऐसा नहीं कि वो बदमाश था पहले दिन से, उसने सोचा हुआ था धोखे देगा, नहीं नहीं, उसका इंटरेस्ट बदल गया, अब सिनेरियो बदल गया, अब उसके पास ऑप्शंस की चॉइस बिल्कुल और तरह से सामने खुली होगी। तो अक्सर बेहतर आपने देखा होगा लोग इस तरीके से छोड़ देते हैं कुछ अरसे बाद, और फिर वो जिसको छोड़ा गया होता है वो बैठ के सारी जिंदगी फिर गालियां वगैरह एक दूसरे को निकालते हैं, और ये मनहूस, ये वो था ही, ये कमीना, शुरू दिन से मैं तो जानती थी या जानता था, ऐसा है ये वो। तो जाहिर है वो ये गलतफहमी होती है, नहीं, टाइम इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है यहाँ। और एक अकलमंद इंसान वो है जो इस टाइम इनकंसिस्टेंसी को पहचान ले कि भाई आज जो मैं कर रहा हूं वो अभी ये कर रहा है, बाद में ऐसा नहीं करेगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल शादियों के हमारे यहाँ होता है, लड़के वाले जब रिश्ता वगैरह लेने आते हैं ना तो दे हैव अ डिफरेंट है ना बिहेवियर, लेकिन जब रिश्ता वगैरह ले लेते हैं तो फिर आंखें उनकी सर पे चली जाती हैं। हम जो कई दफा ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोगों, सारे ऐसे बुरे लोग नहीं है, लेकिन वो अच्छा ऐसा नहीं है कि वो बदमाश होते हैं, बस ना टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। जब तक आपने अपनी किसी ने अपनी बच्ची का रिश्ता उसको नहीं दिया तो उनके लिए पिक्चर बिल्कुल फर्क है। यानी अब च्वाइस ये होती है कि अगर हमने ज्यादा शोर शराबा किया तो रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता ना मिलना वर्सेस हम उनके सामने ये पोज करेंगे हम अच्छा बिहेव करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? अच्छा पोज करना बेहतर है। लेकिन जब रिश्ता विश्ता मिल गया, अब कोई हमारे सामने कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बच्चे के साथ थोड़ा बहुत बुराई भी ऐड कर लेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो चूंकि अब उनका इंसेंटिव बदल जाता है ना, दे बिहेव डिफरेंटली। तो समझने की बात यह है कि इसी को कहते हैं टाइम इनकंस, यानी ये मीननेस नहीं है नेसेसरली, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये एक यानी दिस इज हाउ बेसिकली पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिनेरियो, एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट मेनी ऑफ सच एग्जाम्पल। फ्रेंडशिप्स में ऐसा होता है ये वो। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? वन वे इज टू चेंज द ऑर्डर इन विच प्लेयर्स मूव। ठीक है, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्लेयर जो यू था, यानी आप जो थे, यू आर मूविंग फर्स्ट व्हाइल द ऑफिसर वॉज मूविंग सेकेंड। ओके, चेंज दिस ऑर्डर, आपके ऑफिसर ने पहले जो है वो चूज करना है, उसने ये लिख कर देना है कि मैं क्विक सर्चिंग करूंगा या एक्सटेंसिव सर्चिंग करूंगा, ये वो पहले कमिटमेंट करा, लिख कर दे रहा है कानूनी दस्तावेज पे कुछ। देन यू मेक अ चॉइस इन रिस्पॉन्स टू बोथ ऑफ हिज चॉइसेस, इधर यू अलाउ हिम और यू वेट फॉर द पुलिस। इसी तरह अगर वो लिख कर देता है मैं एक्सटेंसिव सर्चिंग करूंगा, फिर भी आपके पास दो ऑप्शन है, वेट फॉर द पुलिस और अलाउ। ठीक है, ये अब आपके सामने गेम है। Now, what will you do if the game is basically at this knot? What should you do? You have two options, either wait and have a payoff of one.
और अलाउ एंड हैव अ पे ऑफ ऑफ टू, यू विल क्लियरली अलाउ. अगर गेम इस नॉट पे पॉन किया, वंस अगेन यू विल अलाउ बिकॉज थ्री इज बेटर देन वन. तो गेम इस नॉट पर पहुंचे या इस नॉट पर पहुंचे, एक दफा जब उसने आपको लिख कर दिया है कि मैं क्विक सर्चिंग करूंगा या एक्सटेंसिव, यू हैव एन ऑप्शन, क्लियरली वन ऑप्शन, अलाउ. ठीक है, यू विल अलाउ. ओके, यू विल अलाउ हेयर एज वेल एज हेयर. तो व्हाट इज द रेलेवेंट गेम नाउ? प्लेयर वन क्या चूज करेगा? प्लेयर वन के सामने ऑप्शन ये है कि वो क्विक सर्चिंग का लिख कर दे एंड यू अलाउ एंड ही हैज अ पे ऑफ ऑफ थ्री. अल्टरनेट क्या है कि प्लेयर वन लिख कर दे मैं एक्सटेंसिव सर्चिंग करूंगा एंड यू अलाउ एंड ही हैज अ पे ऑफ ऑफ वन. व्हाट इज बेटर, वन और थ्री? क्लियरली थ्री इज बेटर देन वन. तो सिंपली ही विल राइट डाउन क्विक सर्चिंग, यू विल अलाउ एंड द गेम रीचेज ए डिजायर्ड आउटकम विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, कि आप अलाउ करें और वो क्विक यानी खेले सर्चिंग करें तो और गेम जो है वो वेट वेट से निकल के गेम का आउटकम वहां आ जाए जो वो चाहते थे, कि यार बस तुम मुझे इजाजत दो और मैं छोटी सी सर्चिंग करूंगा. आप किस खतरे से नहीं दे रहे थे पहले वाले से, आपको पता है टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है भाई. ये अभी मुझे कह रहा है कि यार मुझे करने दो, मैं नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैं इसको करने की इजाजत दे दूंगा फिर ये मस्ती पूरी करेगा, अपनी पूरी सर्चिंग करेगा, फिर ये नहीं बाज आएगा बिकॉज आई हैव गिवन हिम द लीगल राइट. फिर मैंने एक ऑप्शन गोया अपना खत्म कर दिया, अभी तो मेरे हाथ में वो ऑप्शन मौजूद है. लेकिन अगर आप ये तरतीब बदल दें कि वो पहले फैसला करे लिख कर दे और फिर आप उसको अलाउ कर दें, यू कैन गेट द डिजायर्ड आउटकम. तो टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका जो है वो ऑर्डरिंग इन विच प्लेयर्स मूव, वो भी है. अच्छा, अगर आप एमएस वगैरह में इंशाल्लाह कभी जिंदगी में जाएंगे तो मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर भी ऐसे मॉडल्स, गेम थ्योरेटिक मॉडल्स बनाए गए हैं जो टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम से मुतालिक हैं, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि स्टेट बैंक एंड जनरल पब्लिक दे प्ले गेम विद ईच अदर. वो जाहिर है थोड़ी सी एडवांस गुफ्तगु है, लेकिन ये इसकी मिसालें इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लोगों ने लगाई हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. अगर आपको शौक हो कुछ सर्च करने का, एडवांस मटेरियल है, लेकिन वो आइडिया उसके अंडरलाइंग यही है कि स्टेट बैंक जो कमिटमेंट कहता है ना पहले दिन, अगर लोगों को लोग उसको मान लें तो उसके मानने के बाद स्टेट बैंक के पास ये इंसेंटिव नहीं होता कि वो अपनी बात को पूरी करे, उसका इंसेंटिव फिर बदल जाता है, देन इट बिहेव्स डिफरेंटली. इस तरह के सिनेरियो को यानी टाइम इनकंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जैसे एक तरीका यह है कि चेंज द ऑर्डर इन विच प्लेयर मूव. अनदर मेथड इज व्हाट वी कॉल्ड रेपुटेशन. अगर आपकी किसी की नजर में यह रेपुटेशन है कि ये सच बोलता है, ये ईमानदार है, ये सही काम करता है, ये जो कह रहा है वो उस पर पूरा उतरेगा, वादा खिलाफी नहीं करता वगैरह वगैरह, तो फिर अगला बंदा आपकी बात पर यकीन कर लेगा. टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, क्योंकि उसको पता है कि यार अगरचे इसका ऑप्शन खुल तो जाएगा. जैसे हम कहें सोच ले यार, ये ना हो कि जब मैं तुम्हें करने दूं ये बात या तुम ये करो फिर तुम ये ऐसा कर दो, तो वो कहता नहीं अल्लाह की कसम यार तुम मुझे जानता नहीं है या मुझे जानती नहीं हो तुम, मैं कैसा अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ. हम एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं ना, क्योंकि हमें डर होता है कि टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाएगा बाद में. मैंने अगर इसको पैसे पकड़ा दिए फिर ये आइसक्रीम ना लेकर आया मेरे लिए, नहीं तुम्हें मेरा पता नहीं है मैं अच्छा इंसान हूँ. तो अगर हमें वाकई पता होता है कि वो अच्छा है तो हम उसको पैसे दे देते हैं, ठीक है ना. और जब वो पैसे ले लेता है हमसे तो वो बदमाश टाइप का होगा तो वो फिर नहीं करेगा, और हमें पता होगा ये बदमाश है तो हम पैसे ही नहीं देंगे. एंड द गेम विल बी एंडिंग अप दैट यू डू नॉट हैंड ओवर द मनी एंड देयर इज नथिंग फॉर बोथ ऑफ यू टू ईट. टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको पता है अभी ये मेरी मिन्नतें कर रहा है क्योंकि अभी उसका पैसे नहीं है, जैसे पैसे आएंगे फिर इसका रवैया बदलने वाला है बिकॉज देयर विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो अगर लेकिन उसकी शरीफाना एक रेपुटेशन है तो आप उसको दे देंगे, आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं अच्छा बंदा है. तो टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व. द अल्टरनेटिव इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. चलो ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा यह होता है कि वो फिर यानी आप यूं समझे ना, नस्ट या कोई भी जामिया या यूनिवर्सिटी है उसका एक टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम हमेशा होता है कि वो आप बच्चों से फीस लेके गए हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तो मैं नहीं जानते तुम्हें, पहले वो आपको कह रहा है ले लो ले लो,
अच्छा ये तो आपने अक्सर देखा होगा ना, टाइम इनकंसिस्टेंसी, ऑनलाइन चीजें जब आप मंगवाते हैं पहले आप मिनटें करते हैं, ले लो ये फायदा वो, जब आप ले लेते हैं फिर वो आपको वापस नहीं लेते खराब चीज आपसे, देयर इज अ टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कंपनी ने एक अच्छी रेपुटेशन बनाई हुई हो तो आप फिर ऑनलाइन कंपनी से जाके सामान ले लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट आपकी वेबसाइट पे मौजूद हो गया, भाई मैं इन टर्म्स पे चीज दूंगा, अगर मैं इसको फुलफिल नहीं किया आप मुझे कोर्ट में ले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होना चाहिए, जाहिर है फिर इसमें प्रिजम्पशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने की कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद ना करने से ज्यादा हो। यानी अगर मैं केस अदालत में ले गया, यानी फर्ज कर ले मैंने एक पेंट मंगवाई किसी से जिसकी वैल्यू है 1000 रुपए और वो बेकार निकली, मेरे मतलब की नहीं है, या वो कलर ही नहीं है, या वो नंबर नहीं है जिसकी मैंने मंगवाई है, अब मैं अदालत में कहूँ आओ जी अदालत में आओ तुम्हारी इच्छा, लेकिन अदालत में वकील कहता है 5000 दे दो, तो हम कहते चलो छोड़ो रहने दो। तो अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने की जो कॉस्ट है वो रिनीज कॉस्ट के मुकाबले में जो है वो अगर कम होगी तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग करवाने के लिए अदालत जाएंगे, अदरवाइज आप कहेंगे वो छोड़ो रहने दो, एंड इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी बाइंडिंग। फिर वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे, उन्हें लगे ऐसे ही है जाली कॉन्ट्रैक्ट, इसका फायदा नहीं है, अमलन इसके इसकी एग्जीक्यूशन हो नहीं सकेगी इस कॉन्ट्रैक्ट की। सो अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बेसिकली गुड वन बिटवीन जो है वो टू कंट्रीज हु आर सफरिंग फ्रॉम टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम जो है वो एक यानी एक जेन्युइन यानी कई दफा सूबों के दरमियान होता है। पाकिस्तान में कालाबाग डैम टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कैसे? अच्छा बजाय ये कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको इसकी यानी एज ए फूड फॉर थॉट आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, और जब हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन 12 बजे आई थिंक विल बी परफेक्टली राइट, तो मंडे वाले दिन 12 बजे हम रखेंगे अपनी क्लास, तो उसमें मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा कि इन व्हाट सेंस कालाबाग डैम का जो इशू है, इशू क्या है कि बन नहीं पाता। अगर आप थ्योरेटिकली गुफ्तगू करें तो हर एजेंट कहेगा हाँ यार होना चाहिए, अच्छा बड़ा मजे की चीज़ है, होगा फायदा होगा, पानी होगा, बिजली होगी, ये वो, लेकिन बन नहीं पाता। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो एंड हाउ डज इट फिट विद दिस टाइम इनकंसिस्टेंसी इशू, सो वी विल इंशाल्लाह डिस्कस इट। होप यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। ओके जी, वस्सलामु अलैकुम।